हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का टॉपिक जो है ना, वो है आपका नेगेटिव एनर्जीज को लेकर या ब्लैक मैजिक को लेकर। ठीक है, जो भी इस रीडिंग में आएगा, वैसे अलग अलग रीडिंग होती हैं दोनों, नेगेटिव एनर्जीज और ब्लैक मैजिक दोनों, या स्पेल्स जब लोग कुछ करते हैं तो वो दोनों ही चीज़ें आपके अलग होती हैं। वैसे मैंने काफ़ी पहले रीडिंग की हुई है इस पर, लाइक 5-6 मंथ से तो नहीं कर रही हूँ, बट पहले मैंने की हुई है तो वो रेजोनेट होंगी। ठीक है जी। और इसका अफेक्ट आपके लाइफ पर क्या पड़ता है, मीन्स हम सबके लाइफ पे क्या अफेक्ट पड़ता है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या फिर नेगेटिव एनर्जीज हो, क्योंकि दोनों का अफेक्ट भी अलग अलग होगा। ठीक है जी। आपके पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं एज यूजुअल। दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस शेडो एनर्जी। दिस इज ग्रुप नंबर 2, दिस लॉक एनर्जी। एंड दिस इज ग्रुप नंबर 3, दिस आई एनर्जी। आपको इसमें से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको करो चूज। करते हैं हम आपकी रीडिंग स्टार्ट एज यूजुअल, जैसे कि हम कार्ड शफल करके आपके सामने ही करते हैं। देखते हैं क्या कुछ गाइडेंस आएगी और रेमिडीज भी देखेंगे उसमें, अगर हमें कुछ मिलेंगी तो वी विल डेफिनेटली डू इट। ये ग्रुप नंबर 1 जिसने भी चूज किया है, आपका शेडो का कार्ड, शेडो। देखिए, साइकिक लेवल पर अगर थोड़ा सा देखा जाए, हो सकता है ये वाले ग्रुप के साथ कुछ ऐसे इश्यूज हो, जैसे फैमिली में सबके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज रहना, प्रॉब्लम रहना, कहते हैं ना घर में कलेश वगैरह होता है, वो रहना, काम नहीं बनना, काम रुकना, जितना आप एक्सपेक्ट करें उतना नहीं होना, अचानक से ऑल ऑफ सडन हर्डल्स आ जाना, जितना हो सकता था उतना नहीं होना। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी हो गई? शेडो की। शेडो मीन्स परछाई, मीन्स कोई नेगेटिव एनर्जी का किसी न किसी फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर पुराने घर के साथ या फिर वट एवर इट इज से कनेक्ट होने की वजह से जब लाइफ में कुछ इश्यूज आते हैं तो वो शेडो की वजह से ही होते हैं। ठीक है जी। और अफेक्ट काफ़ी रहता है। नॉर्मल आप पूछते होंगे तो ऐसे पता नहीं लगता होगा कि क्योंकि आपको लगता होगा कि नहीं, लोगों का अफेक्ट करे हुए का कम होगा, बट शेडो का अफेक्ट थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा हो जाता है। जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट होगी और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है। जिन्होंने भी सुना है, जिनको थोड़ा सा समझ होगा इस चीज का, वही इस चीज को सीरियस ले, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, चीज नहीं भी होगी तो अपने साथ उसको कनेक्ट कर लेते हैं, वो नहीं करना है प्लीज। ठीक है जी। चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है इस वाले ग्रुप के लिए, ग्रुप नंबर 1। क्या कुछ ब्लैक मैजिक का अफेक्ट है इस वाले ग्रुप के ऊपर, क्योंकि आए हाय है जी, है बिल्कुल है। हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है इस वाले ग्रुप के साथ ना, अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली में इश्यूज आ रहे हैं, हस्बैंड लगता होगा लॉयल नहीं है या उनकी तरफ से इशू है, उनको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, उनको घर में पॉवर्टी या फिर कुछ ऐसे इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं आपके घर में। कोई भी पर्सन, लेडी हो सकती है, 35+ हो सकती है, वीडियो हो सकती है, सेपरेटेड हो सकती है। ठीक है जी। वर्किंग भी हो सकती है, ठीक है, और काफ़ी एंगर इश्यूज भी हैं उसको। ठीक है, हो सकता है पहले के टाइम से ही हो, दिखता हो भगवान का नाम बहुत लेती है बट एक्चुअल में अंदर से तो वो बेड़ा करके उसका, मीन्स गुस्सा ही बहुत आता है उसको, जलन ही उसके अंदर इतनी हर देख कर घर को देख ही नहीं सकती है कि यूनिटी में कार्ड्स के अकॉर्डिंग है। अगेन आपको 222 नंबर इस स्टेज कार्ड के लिए काफ़ी, ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है जी। कुछ लोग ना एक्चुअली ऐसी रीडिंग से ना वो हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं ना, तो इसलिए मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ रीडिंग में काफ़ी एक्यूरेसी आती है, बट मैंने इसलिए इसको नहीं करती हूँ। अब मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं ना तो कर रही हूँ। देखिए, फाइनेंसिस में आपके इश्यूज नहीं होंगे, नहीं होने थे। अगर आपको लग रहा है कि जॉब में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहे थे, क्यों नहीं मिल पा रहा था सही से, कस्टमर क्लाइंट्स वगैरह क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो रीज़न यहाँ पर यही है। ठीक है जी। और अगर जॉब वगैरह में बार बार इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, फाइनेंसिस की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो यहीं से ही क्रिएट की गई हैं डेफिनेटली। भाई ग्रुप नंबर 1 स्ट्रांग है, मैंने इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना है, लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, है ठीक है। पंजाबी एक्सेंट आ रहा होगा आपको थोड़ा सा मेरी उसमें, तो इग्नोर करना, ठीक है, है क्योंकि क्लियर है इसमें, फीमेल है, लेडी है, एक और तैयार है यहाँ पे, फीमेल है, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, 35+ वही एज है, एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, बट नहीं, हम तो उसको गलत जगह पे ही लगाएंगे। भगवान को भी मानते हैं हम, दिखता ऐसे है बट हम, हमें जलन भी होती है, ऐसा वाला थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जीज है। बट यहाँ पे एक चीज़ और बोल दूँ इस वाले ग्रुप के लिए, अगर आप स्पेशली फीमेल्स हैं
या कोई आपके घर में है, आप भी कम नहीं हो, एनर्जीज काफी स्ट्रांग हैं आपकी। कोई करके तो देखे काफी सारी एनर्जीज को, तो आपको खुद ही इतना लेवल स्ट्रांग है इस वाले ग्रुप का कि बैकफायर तो आप ऐसे ही कर देते हो। मैं जहाँ से आ रहा चल वापस, जहाँ से आ रहा चल वापस। और अगर नहीं है ना, जैसे मैंने रेमेडीज का बोला था, रेमेडीज भी आप यूज कर सकते हो। दुर्गा कवच या बजरंग बाण का पारा डेली एक बार जरूर करो, अगर ऐसे कुछ साइन सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है जी, घर के मेन डोर पर कैम्फर, कोई भी पाउच में, कोई भी पाउच, जैसे मेरे पास ये अभी गिफ्ट का पाउच पड़ा हुआ है। जैसे मैं क्रिस्टल्स, किसी को कुछ ऐसे क्रिस्टल डेलिकेट होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो मैं इसमें ही डालकर भिजवाती हूँ उनको। तो आप इसमें ना, सपोज दिस इज कैम्फर, कैम्फर को डाला आपने इसमें और ये इसको ऐसे ही हट जाएगा जैसे अभी ये कार्ड हटा है, और हैंग कर दो मेन डोर पे इसका, इसका जो है आप पाउच बना के, ठीक है, वो कर दो, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्या कर सकते हो, हाँ, सोल्ट की कोई भी रेमेडी नहीं यूज करनी है, नहीं, ठीक है। कुछ लोग करते हैं सोल्ट, सोल्ट ना और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, तो सोल्ट सोल्ट, चाहे रॉक सोल्ट हो, इप्सम हो, वट एवर इट इज, कोई भी नाम लो, नहीं करना है, ठीक है। मैं और कुछ भी कहने वाली थी इस वाली रीडिंग के लिए। 444 नंबर भी एंजल नंबर आपको दिखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, आपको अलर्ट किया जाता है, ठीक है, कि थोड़ा सा क्लैरिटी रखो और इन चीज़ों को आप आराम से बैकफायर कर सकते हो। कोई तो पर्सन है जो यहाँ पे ना, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे भी हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा भी आपका बिजनेस हो, काम हो, जहाँ पे आपको कस्टमर्स को आप सर्व करते हो, रेस्टोरेंट का, कुछ एक्सेसरीज का, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का, ब्यूटिशियन का, या फिर कुछ यूट्यूब से रिलेटेड कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे लोग आपकी चीज़ों को इस्तेमाल करके खुद सोचते हैं कि हम इस्तेमाल करके हम बन जाएंगे ऐसे। आज मेरे को ऐसा खुद को एग्जाम्पल मिला, मेरे को किसी, मेरे ही काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसे दो लेडीज का आया है, नेम साक्षी मानसी पता नहीं क्या है उनका, नहीं मालूम, दो डिफरेंट है। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ से, मतलब मेरे की तरफ से वो नहीं कर पा रहे, वट एवर इट इज, मीन्स ऐसा भी होता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहना है हमने, ठीक है जी। जो जिसके डेस्टिनी में है वो छीन नहीं सकता, अगर आप छीनोगे ना तो आपको ही परेशानी होगी, जो भी ऐसे लोग काम करते हैं भाई। अगर आप ना थोड़े से रेमेडीज वगैरह को करोगे ना, चेंजेस अगर आप सोच रहे हो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, चेंज आएगा, आप यहाँ पे हटा सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को चेंज अपनी लाइफ में ला सकते हो। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है यहाँ पर पहले से बेहतर होने के बहुत बहुत सारे चांसेस हैं आपके यहाँ पे, बट रेमेडीज टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के लिए होता है, ये कोई वो नहीं है कि इसी में ही सब कुछ रखा हुआ है, नहीं। मैक्सिमम हमारे एफर्ट्स, हमारी एनर्जी जो कि पॉजिटिव एनर्जी ही काम में आती है, ठीक है जी। 7 डेज में आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी कर रहा है ना उसकी एनर्जीज डाउन होंगी, भागना शुरू कर देगा या कर देगी, जो भी हो, ठीक है जी। नहीं मैटर करता आपके क्लोज में है, फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव्स में है, फिर कहाँ पे भी है, अरे हाय मजा आ गया, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये भी कार्ड आया है भाई, आप इसको ओवरकम कर लोगे बहुत इजली। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्चून। आप लोग जानते हो ये कार्ड मेरे को कितना पसंद है, जो जैसे अब तक रुकी हुई थी ना आपके, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो फिर आपके फेवर में जाएंगी या पहले। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें क्यों रुक गई थी, तो कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक है, तो दो मीनिंग होते हैं यहाँ पे। आप इस चीज़ को यहाँ से ना ओवरकम कर लोगे, वीक से लेके आने वाले 1.5 महीने में, 6 वीक्स में अगर आप देखोगे तो काफी सारे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आओगे। पहले जैसा कॉन्फिडेंस गेन होगा, अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे तो उनमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो मिलनी स्टार्ट आपको हो जाएगी, वो आपने चिंता नहीं करनी है, ठीक है जी। और हो सकता है कुछ लोगों का ना यहाँ पे अब से नहीं हो, ये प्रॉब्लम जो है ना काफी लॉन्ग टाइम से होगी उनके लाइफ में ये वाली, और 3-4 ईयर्स या मे बी पहले से भी इश्यूज हों, मे बी पुराने कुछ लोग होते हैं ना जैसे फैमिली से ही इश्यूज हो जाते हैं उनको, तो तब से होगा शायद, जब आप छोटे होंगे तब से भी इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ लोगों के मैरिज हुआ होगा तो उसमें भी इश्यूज आ गए होंगे, अगर कहीं पे पार्टनरशिप स्टार्ट की होगी, कोई शॉप वगैरह भी ओपन की होगी तो वहाँ पे किसी को वेलकम किया होगा गेस्ट के रूप में, कोई आए होंगे, या फिर वहाँ पे भी इश्यूज हुए होंगे। स्पेशली अगर आप लोगों का आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ सामान है, कोई शॉप है, कोई ऐसा चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी बताया था, वहाँ पे अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उसके रीज़न यहाँ पे वही हो सकते हैं। तो 1 वीक, 6 वीक, 8 वीक्स, 2 महीने, मीन्स 1 वीक से लेके ना 7 दिन से लेके 2 महीने तक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैसेजेस आएंगे, क्लाइंट्स आएंगे, कस्टमर आएंगे, पहले से इम्प्रूवमेंट्स जो है आप अपनी लाइफ में देखोगे, ठीक है जी। और एक दो और कार्ड्स ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा। वैसे मैंने आपको फर्स्ट 2 कार्ड से ही बता दिया, देख रहे हैं आप कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मीन्स क्या, लक फेवर में नहीं होना, चीजें फेवर में नहीं होना, बार बार प्रॉब्लम्स आना, बार बार इश्यूज आना,
द लवर्स का कार्ड, ठीक है, हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज हुए हों इस वजह से, रहे हों, कोई सेपरेशन लॉस वगैरह हुआ हो, एनर्जी बहुत डाउन होती हो, ठीक है जी, रिलेशनशिप भी टूटे हो, यहाँ पे कुछ इश्यूज हुए होंगे, आपको लगा होगा कि आपके पर्सन ने आपको चीट कर दिया, वो छोड़कर दूसरे के पास चले गए, पर पीछे बैकग्राउंड में तो रीजन ही नहीं पता कि कर कौन रहा था यहाँ पे, तो हुआ काफी कुछ है यहाँ पे, बट आप यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है, चाहे कुछ भी हुआ हो, वो सिचुएशन रही हो थर्ड पार्टी की या वट एवर इट इज, काफी सारे इश्यूज रहे हो, आप इसको ओवरकम जरूर कर लोगे, ओवरकम का फॉर श्योर है, ओवरकम का मैं अगेन आपको यही चीज बोल रही हूँ, फिर से अगर रेमेडीज करोगे, एफर्ट्स करोगे, तो आराम से इस चीज को आप ओवरकम कर लोगे, क्योंकि एनर्जी ना बार बार आपके पर्सन के, आपके या फैमिली मेंबर्स की एनर्जी को डाउन कर देती है, काफी लेजी कर देती है, स्ट्रेंथ नहीं रहती कुछ करने की, काफी डाउन लेजी फील करते हैं, प्रोग्रेस नहीं हो पाती, ऐसा लगता है चीज रुक क्यों गई है, स्टक क्यों हो गई, आगे क्यों नहीं हो पा रही है, नटशेल में यस है, और बट उससे भी बड़ा चीज यहाँ पे है आपके एफर्ट्स और रेमेडी से आप इस चीज को ओवरकम कर पा रहे हो, ठीक है जी। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विद यू, इफ यस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, बाय बाय, हैव अ नाइस वंडरफुल डे अहेड। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है आपका ये लोक का कार्ड, आप लोगों को भी खुद को भी शायद थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट फील होता हो, एनर्जीज अफेक्ट होती हो, थर्ड आई चक्रा पे इफेक्ट आता हो, फोरहेड में थोड़ा सा प्रेशर फील होता हो, या फिर परेशानी होती हो बीच बीच में, एनर्जी अप एंड डाउन होती रहती होगी आपकी एनर्जी खुद की, ठीक है जी। हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आपको आंसर नहीं मिल रहे, या जैसे लोग ही देखा जाए किस्मत पर ताला लगा होना, पता है नहीं है, ठीक हो जाएगा, अब चीजें ठीक होंगी, अब होंगी, अब होंगी, ऐसा लगता होगा, बट नहीं हो पा रहा होगा किसी रीजन की वजह से, ठीक है, देखते हैं कि है या नहीं है, और है अगर पता लगेगा, जैसे ग्रुप नंबर 1 में क्लियर था, देखते हैं किसकी वजह से है, ठीक है जी। चलिए ग्रुप नंबर 2, इनर वॉइस, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जो भी है ना, एक तो आप लोग काफी खुद भी काफी साइकिक लेवल पर हाई हो, बट आपकी साइकिक एनर्जीज के ऊपर ही अफेक्ट होता है इन चीजों का, ठीक है, आपकी एनर्जी से ही बंद हो जाती है खुद की, जैसे कि मैंने आपको बोला था एनर्जी अफेक्ट होती है इस वाले ग्रुप की, खुद की एनर्जी से अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके काम वगैरह पर भी अफेक्ट पड़ता होगा, लकी हो काफी आप लोग दूसरों के लिए भी, ठीक है, इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग है इस वाले ग्रुप की, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, चेंज, चेंज का कार्ड है, बट ये वाले ग्रुप की मैं आपको एक चीज बताती हूँ, डजेंट मैटर आपके केस में कुछ भी हो, बट आप लोग खुद इतना ग्रुप नंबर 2 इतना स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले ग्रुप के साथ क्या होगा ना, ये वाला ग्रुप जो है ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होगा, क्वीन ऑफ कप्स में नेचुरल साइकिक पर्सन होना, वाटर साइन भी हो सकते हो आप, कौन सा वाटर साइन हो गया आपका, ओहो वाओ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी, ठीक है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जैसे कि चेंज आपके पास, चेंज अभी तो आपकी साइकिक एनर्जीज और काफी बढ़ेंगी आगे, लक ग्रोथ एक्सपेंशन भी होगी जो कि अब तक काफी सालों से रुकी हुई थी चीजें, आंसर्स मिलेंगे, आपकी साइकिक एनर्जी जितना बढ़ेगी ना, जितना क्लैरिटी आएगी, उतना आपके आसपास के लोगों में, आसपास में पूरा लाइफ का जो साइकिल है ना, वो चेंज हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो बैड टाइम तो आप काफी देख चुके हो, स्ट्रगल तो आप काफी देख चुके हो, बहुत देख चुके हो, बट ये स्ट्रगल जो है अनलॉक भी होगी, तो जब हमारी एनर्जी बहुत लो होती है ना, डाउन होती है, तो ऐसा नेचुरल होता है, हम अपनी लाइफ में ना नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को काफी अट्रैक्ट कर बैठते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से दूसरों की छोटी छोटी नेगेटिव एनर्जी भी हमें अफेक्ट कर जाती है, तो आपके केस में यहाँ पे ऐसा ही है, एनर्जीज का आपके साथ स्टक हो जाना, एनर्जीज वो सब रिलीज होंगी ना, तो वैसे वैसे करके चेंजेस आएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर इस ग्रुप के साथ अगर ऐसा होता होगा ना, जैसे किसी ने कुछ कर दिया और हो गया, वो आपके खुद की एनर्जी डाउन होने की वजह से है, आपके ऐसा लेवल है कि कोई कर नहीं पाएगा एक बार जब एनर्जीज जो है आपकी इम्प्रूव होगी तो, ठीक है, देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, कि क्या आपके ऊपर इफेक्ट है, और रेमेडीज क्या हैं, जैसे मैंने ग्रुप नंबर 1 में रेमेडीज काफी दी है, तो ग्रुप नंबर 2 के लिए भी देखते हैं, अब जरूरी नहीं है ना रीडिंग सेम आएगी, लेजीनेस,
इनर वॉइस को इग्नोर नहीं करना है, कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना नुकसान नहीं कर दें, ठीक है? ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना आप लोग। टाइमली जब 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 चीज़ों के हिंट मिलते हैं ना, उनको एक्सेप्ट कर लिया करो। इनर वॉइस को सुना करो आप अपनी, कि क्या ये जो मुझे हिंट्स मिल रहे हैं, साइंस सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में सही हैं, ठीक है? स्किज़ोफ्रेनिया इस ग्रुप का एक ही इशू है खाली, पर ये ग्रुप बार बार अपनी ना साइकिक एनर्जीज को, जो भी आपको इंट्यूशन मिलती है उसको इग्नोर बड़ा करता है, और इसके चक्कर में आप बार बार प्रॉब्लम में फंसोगे, या एक बार फंसोगे तो ज़्यादा ही फंसोगे। फिर ऐसा नहीं करना है इस वाले ग्रुप में, ठीक है जी? आपने स्पिरिचुअल साइकिक एनर्जीज को सुनना है, आपने मीन्स इनर वॉइस को, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बताती है। एक कार्ड यहाँ पे ये गिरा है तो मैं, या ये वाला ग्रुप ना वैसे बहुत हाई लेवल की, अगर आपके पास स्पिरिचुअल साइकिक लेवल भी है तो आप लोग जो है ना मटेरियल सक्सेस को भी डिजर्व करते हो, ठीक है जी? आपकी मटेरियल सक्सेस की वजह से ही व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में जाएगा। एनर्जीज आपके पास स्ट्रॉन्ग है अपने फाइनेंसेस वगैरह इन सब चीज़ों को क्रिएट करने की। कोई ना कोई तो है जो आपसे जेलस फील करता है फॉर श्योर है यहाँ पे, ठीक है? और आपके पास उससे भी बड़ी चीज़ है ना यहाँ पे, अगर आप अपनी एनर्जीज को अनलॉक करते हो ना, तो ये जो होती है ना चीज़ें, स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज, इविल आइज, फिर वो आपको अफेक्ट नहीं करेंगी, नहीं करेंगी आपको। वो खुद का एनर्जी लेवल इतना अच्छा हो जाएगा ना, तो उल्टा आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर पाओगे, कर सकते हो। तो नहीं होगा ये तब तक के लिए होगा जब तक ये आप अपनी इनर वॉइस को सुनना, एक्सेप्ट करना नहीं स्टार्ट करते हो। पार्टिसिपेशन, लोग काफ़ी कोशिश करेंगे आपको लेट डाउन करने में, काफ़ी कोशिश करेंगे लक पुल करने में भी, ठीक है जी? कितने भी कर ले, जिसे काम का नहीं है कुछ नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें परमानेंट नहीं कर पाएंगे, टेम्पोरली अफेक्ट करेंगी तो करेंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी इतने हाई लेवल पर है उसको कोई छीन नहीं सकता, आपसे दूर नहीं कर सकता। थोड़ा टाइम के लिए डाउन हो जाओगे, फिर खड़े हो जाओगे, क्या फ़ायदा करके पंगा लेंगे, इसी से ही परेशान हो जाएंगे, वो खुद ही परेशान हो जाएंगे जो भी अगर करने की कोशिश करेगा तो। ग्रुप नंबर वन में वैसे मैंने रेमेडीज़ काफ़ी बताई हैं आपके लिए, मेरे को इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए खाली यही बोला जा रहा है, अपनी मून एनर्जी को एक्सेप्ट करो, इंट्यूशन जिसको आप इंट्यूशन बोलते हो, इंट्यूशन पावर को आप अपने एक्सेप्ट करो, ठीक है? ज़्यादा अगर हो सके तो ओम का मंत्र चेंट कर सकते हो आप, एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हो आप अगर आपको लगे तो, ठीक है? बाकी देखते हैं, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल भाई। ये ग्रुप नंबर टू कौन है? काफ़ी हाई लेवल की एनर्जीज हैं आपकी। ईश आ गई निकल के, ठीक है? ये कार्ड अपने आप फॉलो हुए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको क्या बोला था, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिसेप्टिविटी की एनर्जी, नेचुरल एनर्जी है आपके पास। आप खाली यूनिवर्स की एनर्जी को ऊपर एक्सेप्ट करके, ऐसे भी इसको बोलते हैं ट्रायंगल, ऐसे ऊपर हाथ करके जो है यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करना, आपको इसी से ही हीलिंग मिलती जाएगी। वाटर से आपको काफ़ी हीलिंग मिल सकती है, खाली वाटर को 3 बार कुछ भी पॉजिटिव एफर्मेशन देकर अगर आप पियेंगे तो वो भी आपको काफ़ी हील करेगा, जरूरत नहीं है भटकने का, ठीक है? आपको ना द सोर्स बहुत बड़ा कार्ड होता है ये वाले, आप जानते हो। ये वाला जो कार्ड है ना, आई लव दिस कलर्स एंड कार्ड, क्योंकि मुझे ना आपका चक्रास के, लोअर चक्रास के याद दिलाता है ये वाला कार्ड। बहुत 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 खूबसूरत कार्ड है, कलर है, पेंटिंग है, सिट्रीन ब्रेसलेट की काफ़ी याद दिलाता है, जो कि आपके तीनों चक्रास को एक साथ ही हील करता है, अफेक्ट करता है। तीनों नीचे के चक्रास हमारी मटेरियल सक्सेस और वेल्थ को बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का, क्रिएटिविटी का भी कार्ड आया है। आपके केस में जहाँ पे भी एनर्जी आपकी स्टक होना, आपको एक और चीज़ बोलते हैं, अपनी क्रिएटिव एनर्जी में लगा दो, पेंटिंग करने लग जाओ, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोई चीज़ बनाने लग जाओ, टैरो रीडिंग करने लग जाओ, हीलिंग करने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, देखना रिलीज हो जाएगी। और आपका एक और प्रॉब्लम है जैसे कि मैंने आपको बोला है यहाँ पे, ठीक है? और अगर कोई करने भी कोशिश भी करेगा ना, मेल हो या फीमेल, और डजंट मैटर है यहाँ पे, वो बैकफायर होना है। ये इस वाले ग्रुप की रीडिंग एनर्जी जो है स्ट्रांग है यहाँ पे, ये जो है ना, अगर आप ये को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हेड में इतने सारे क्लाउड्स बना हुआ है, मीन्स आपके दिमाग में ही इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज भरे होना, जिसकी वजह से आपको आपके हाथ बंधे हुए लगते हैं, कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आती है, आपको लगता है आप बंधे हुए हो, चाहे करे कोई भी, बट आपको खुद को, आपकी आपके ऊपर फेथ होना चाहिए,
कि यू आर कैपेबल एनफ, आपके पास एनर्जीज हैं, अगर आप अपने दिमाग से ये सब फालतू के डाउट्स, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये सब चीज़ें निकाल दोगे, तो हाउ स्ट्रांग यू आर इन दिस हाई प्रिस्टेस और एम्प्रेस, दोनों को जब ये कार्ड्स आ जाते हैं ना, तो ये कार्ड उसके सामने कुछ भी नहीं होता है। तो हो सकता है कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज चल रहे हैं उनके पार्टनर्स के साथ, पर्सन के साथ, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, उनके द्वारा भी क्रिएट किया गया हो सकता है या किसी और की तरफ से भी हो सकता है, रीज़न कुछ भी हो, यहाँ पे आपको यहाँ एक चीज़ ये बताई जा रही है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, आपको आपकी सक्सेस के लिए, आपको लाइफ चलाने के लिए किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। लोग आपसे हेल्प लें वो चीज़ बहुत अच्छी है, ये चैलेंज आया है आपका अलोन। और अगर आपको ये चीज़ लग रहा है ना इस वाले ग्रुप को, भाई अकेले रहकर हम सब कुछ हमें मिल जाएगा, ये भी आपका वहम है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड आए हैं। क्यों? यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल एनर्जी और आपका मटेरियल एनर्जी दोनों कार्ड आए हैं, और ये दोनों कार्डों में बैलेंस लाकर ही आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो, सेलिब्रेशन ला सकते हो, हैप्पीनेस ला सकते हो, फैमिली में कोई न्यू इवेंट है, मैरिज है, कुछ है, वो आप लेकर आ सकते हो। अलोन आप फिर परेशान हो, भटक रहे हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो ना कि आप अकेले कुछ कर पाओगे तो दिक्कत है। कुछ ना कुछ एनिमीज आपके रहेंगे, ये रहेंगे आपकी लाइफ में, बट इतना कुछ नहीं कर पाएंगे जितना आप खुद का फायदा और नुकसान कर सकते हो। देखिए, क्योंकि रीडिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मैं इसमें कुछ भी बोलती रहूँ कि हाँ ये है वो है, पर वो इतना मैटर नहीं करते जितना आपकी खुद की एनर्जीज आपके लिए मैटर करती है। पॉसिबिलिटीज काफ़ी हैं। अपना अगेन यहाँ पे ईगल की एनर्जी है, जो कि सबसे ऊपर उठकर देखो, नीचे आपको हर चीज़ आपसे नीचे लगेगी, छोटी लगेगी। अपने विजन को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ऊपर कर लीजिए, आपको आपके सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है जी, सो ग्रुप नंबर टू, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू, इफ यस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स एंड ब्लेसिंग्स के लिए। ये ग्रुप नंबर थ्री जिन्होंने भी चूज किया है, आई का कार्ड, आई का, ठीक है जी, देखते हैं आपकी रीडिंग में आता क्या है। एनर्जीज डाउन होती हैं इस वाले ग्रुप की, ठीक है, लेथार्जी, लेजीनेस फील होती है, कुछ काम करने का कभी कभी ऐसा होता होगा, मन नहीं करता होगा, हेल्थ इफेक्ट होती होगी, कुछ अननोन फियर्स भी हो सकते हैं, बहुत पुराने टाइम से हो सकते हैं, ठीक है जी, और अंधेरे से भी डर लग सकता है, ऐसा इस ग्रुप को ऐसा है, कुछ ऐसे हिडन फियर्स हैं आपके अंदर जो सिर्फ आप जानते हो, शायद दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर पाते होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, एनर्जीज कभी कभी मिक्स हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें, डिसीजन भी अगर कुछ लेना होता होगा तो समझ में नहीं आता होगा। मैं रेमेडीज भी दूंगी इस वाले उसमें, बट देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आपका आता क्या है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर थ्री, हाँ ये देखिए, ये मैं सेम चीज़ यही बोल रही थी ना, यही वाली बता चुकी हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ हो सकता है घर में कुछ मिस हैपनिंग भी हुई हो, किसी ना किसी के साथ कुछ ट्रेजेडी भी हुआ हो, और कुछ हो सकता है कुछ लॉस, सेपरेशन, कुछ रिलेशनशिप एंड वगैरह, कुछ भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है होने की, चीज़ें फेवर में नहीं हो, डिले हो रही हो, लक फेवर में नहीं हो, बार बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती हो, कोई ना कोई हो जो स्ट्रॉन्ग एनिमी हो आपका, ठीक है। अगर कहीं से भी चीज़ ना, मेरे को नहीं लगता आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है उसमें, ठीक है। एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं इस वाले ग्रुप को, आपके नहीं तो आपके पार्टनर या आपके फैमिली में किसी ना किसी को, ठीक है जी। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पे, और हमारा क्वेश्चन ये था कि आप लोग भी अफेक्टेड हैं उससे, ठीक है, हैं अफेक्टेड हैं, किसने किया है, होपफुली जैसे ग्रुप नंबर वन में एकदम क्लियर था इसमें भी आए। ये सब कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग होगी भी, चीज़ें रिवाइव होंगी, जो चीज़ें खराब हुई हैं उनको काफ़ी हद तक ठीक होने के चांसेस हैं, जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं उसमें। तो अननेसेसरली किसी फालतू के किसी भी कॉम्पिटिशन में खुद को नहीं डालना, वैसे अगर आप डलोगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, बट एक बार हो सकता है वहीं से ही आपकी एनर्जीज को थोड़ा सा अफेक्ट किया जाए, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, जस्टिस मिलेगा इस वाले उसको, फॉर श्योर जस्टिस मिलेगा, अगर बहुत टाइम से इन सब चीज़ों से डील कर रहे हो, सफर कर रहे हो ना, तो जस्टिस श्योर मिलेगा इस वाले ग्रुप को, क्योंकि आपके कर्मास भी एक चीज़ आपको बता दो, अगर आप भी रॉन्ग पाथ को चूज करोगे तो पनिशमेंट आपके लिए भी तय है, बट अगर आप राइट पाथ चूज करते हो, क्योंकि टैरो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ गाइडेंस के लिए है, ये सब चक्कर इनके लिए नहीं है, करना है लाइफ की इंप्रूवमेंट के लिए करें, कोई भी रेमेडीज हैं सिर्फ खुद के, वो किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं जाना चाहिए, किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपका कोई भी ऐसा एक्शन मिसयूज नहीं होना चाहिए, जस्टिस विल गो इनटू योर फेवर जाएगा। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की भी वाइब्स लग रही है मेरे को, स्पेशली लिब्रा अगर हम देखें तो,
सेवन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, जब जो काम करने हैं उनको कर लेना, अपने कर्मों से नहीं बचना, ये वाले ग्रुप को बोला जा रहा है कि जो जब काम करना है ना जिस टाइम पे उसको कर लेना, डिले मत करना। और अगर आपके लाइफ में भी कोई अगर ऐसे पर्सन हो जो कि फायदा उठाना चाहते हों आपके, तो चिंता नहीं करो, वो नहीं कर पाएंगे, नुकसान उल्टा हो जाएगा उन लोगों का। कोई भी हो, कोई भी हो, अगर कोई सोचता करोगे आप मेहनत कोई और ले जाए, वो उसको लगता है कि मैं ले जा चुका हूँ, ये ले जा रहा हूँ, अपने आप हाथ से छोड़ने आएगा। ठीक है, स्ट्रांग है आपकी एनर्जीज, काफी स्ट्रांग है। कैप्रिकॉन भी हो सकता है ये वाला ग्रुप, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, द मून का कार्ड है भाई, है नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट है आपके ऊपर है। हो सकता है इस वाले ग्रुप को ना रिलेशनशिप में, ग्रोथ में, हेल्थ में इश्यूज रहते होंगे, अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, फाइट हो जाएंगे, पार्टनर के साथ भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं इस वाले ग्रुप के। तो है, हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग करोगे तो काफी कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, हीलिंग की जरूरत है। यहाँ पर जस्टिस आपको मिलेगा, पहले मिले, जल्दी मिले, लेट मिले, क्योंकि जस्टिस तो सर्व होगा ही यहाँ पे। ठीक है, जो नुकसान करेगा, जो यहाँ पे मिसयूज करेगा, उसको उसका वो भी देना होगा। ये यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। देखते हैं एक तो और कार्ड्स लेके आता क्या है इस वाले ग्रुप के लिए। ठीक है, मैं रेमेडीज भी, जैसे मैंने बोला था, अगर आप चाहते हो रेमेडीज का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि डेली दुर्गा कवच बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो, एवरी सैटरडे या ट्यूसडे आप मंदिर में जाकर रूट्स वाला कोकोनट भी ऑफर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा रहता है, वो भी साइंटिफिक होता है क्योंकि वो मून को रिप्रेजेंट करता है ना, उसका जो वाटर और पल्प होता है, वट एवर फ्रूट होता है और आउटर शेल होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। कैम्फर, कैम्फर का यूज अपने पास रखें, मेन डोर पर हैंग करें, अपने पास रखें। कैम्फर में एक नेचुरल साइंटिफिक प्रॉपर्टीज होती है इनएक्टिविटी को एब्जॉर्ब करने की, उसके बाद आप उसको बर्न भी कर सकते हो। बर्न कर दो, नहीं तो बहुत टाइम तक पड़ा रहने की वजह से वो अपने आप ही वो छूमंतर हो जाता है। देखते हैं आपके और कार्ड्स क्या आते हैं। ये देखिए आपके एनिमीज, मैंने बोला ना आपके एनिमीज काफी हैं जो कि दिमाग बहुत लगाते हैं आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स के उस क्रिएट करने के लिए, दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए, बहुत स्मार्टली स्पेशली इमोशंस का फायदा उठा के। उनको पता है इमोशनल फ्रंट पर ही आपको किल किया जा सकता है, आपकी वीकनेस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा हुआ भी तो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करोगे लाइफ सॉर्टेड है, अदरवाइज बार बार आपको मार जो है सामने वाले को आपकी वीकनेस पता होगी और वो वहीं पे ही कहते हैं ना अटैक करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे लोग ना बहुत और चैनल में मैं ऐसे क्या बोलूं, कमीने होते हैं ना, वो वही होते हैं, उनको पता होता है जो वीकनेस है वहीं पे स्ट्राइक कर दो। यू नो, एक 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 देना चाहिए इनको। किंग ऑफ वांड्स का कार्ड अभी यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के केस में, आई एम सो सॉरी, हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये किया जा रहा हो, तो मुझे यहाँ पे उसका इफेक्ट आपके फाइनेंसेस के ऊपर भी पड़ रहा हो, घर के फाइनेंसेस के ऊपर भी पड़ रहा हो और रिलेशनशिप के ऊपर भी पड़ रहा हो। कोई फीमेल भी हो सकती है यहाँ पे जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, नेगेटिविटी यहाँ पे स्प्रेड कर रही है, बट यहाँ पे बड़ी चीज ये है कि आप खुद को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो आपकी एनर्जी से, अपनी उससे आप इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, मुझे पता नहीं क्यों इस वाले ग्रुप के लिए लग रहा है कि आपको कोई भी ब्लैक कलर का क्रिस्टल अपने राइट हैंड में पहनना, नेगेटिविटी रिलीज होती है उससे। ठीक है, हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं, रात को नींद नहीं आना, परेशानी हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, ये सब इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोगों के साथ। तो थोड़ा सा खुद की एनर्जी को भी स्ट्रांग रखो, जैसे मैंने बोला टैरो वगैरह ये गाइडेंस के लिए होते हैं, रेमेडीज हमें खुद करनी पड़ती हैं। हो सकता है काम में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा उदास हो या फिर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, ये काम भी अफेक्ट हो सकता है आप लोगों का। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे इस वजह से भी है ताकि हो सकता है अगर आप लोगों का कुछ काम वगैरह है ना वो भी उससे अफेक्ट होगा, मीन्स रिलेशनशिप चारों तरफ से ऐसे हो सकता है कि नेचुरल जो एक जो लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी रहती थी उसका फ्लो बंद हो चुका है, वो अफेक्ट हो गई है, ग्रोथ जो पहले हो रही थी, तो किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी पर्सन के थ्रू से ऐसा यहाँ पे हो सकता है। काम भी करने का मन नहीं करेगा इस ग्रुप का। रेमेडी जरूर यूज करें, मैं अगेन यहाँ पे बोलूंगी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, दुर्गा कवच या बजरंग बाण है आप वो भी कर सकते हो। ठीक है जी, या
यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा वो रिकॉर्ड हो गया था, फिर रह गया क्वीन ऑफ कप्स का जो यहाँ पे कार्ड आया है ना। देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड होने की वजह से आप लोगों की इंट्यूशन पावर भी अफेक्ट हो सकती है। हो सकता है आप लोगों को सही से इंट्यूशन नहीं मिले, सही से मैसेजेस नहीं मिले, सही से गाइडेंस नहीं मिले, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। आपके पास जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, स्पेशली किसी से गिफ्ट्स वगैरह रिसीव नहीं करना, ठीक है। कुछ चीज़ें मिल रही हैं उनको रिसीव नहीं करना। कोई अगर आपको कुछ बताए उस पर दिमाग से थोड़ा सा काम लीजिएगा, सही दिमाग से। जब आप एकदम से साउंड अपने ब्रेन में होंगे, साउंड होंगे तभी लीजिएगा। इंस्टेंटली किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना किसी की भी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर अपने अपना ध्यान रखना है। एक दो और कार्ड्स देख लेते हैं इस वाले ग्रुप के लिए कि क्या आते हैं। रेमेडीज को अगेन बोलूंगी, फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आपके घर में, किसी ना किसी को इस वजह से, पार्टनर को, किसी को अगर पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हुई है तो वो ये रीजन हो सकता है। कहीं ना कहीं पे ऐसे हो, कुछ ना कुछ चीज ऐसा किया गया हो, घर में छुपाया गया हो, नेगेटिविटी की कोई चीज रखी गई हो, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें घर में। इसके लिए आप एक चीज भी कर सकते हो, जैसे काउ वर्क होता है ना, गौमूत्र श्रुषु या पतंजलि कोई भी ब्रांड वाला, उसको घर में स्प्रिंकल वगैरह करते रहें। और घर में थोड़ा सा जो भी मंत्रा प्रेयर आप कुछ भी करते हो आपके कल्चर के अकॉर्डिंग, कोई पाठ है दुखभंजनी साहिब का या फिर बजरंग बाण है, दुर्गा चालीसा है, वट एवर, उसको घर में थोड़ा सा लगा कर रखें, जोत दिया लगा कर रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। ओवरकम कर सकते हो, एफर्ट्स वगैरह करने पर आप चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी, ओवरकम जरूर होगा यहाँ पे, उसकी आपने चिंता नहीं करनी है। क्योंकि टैरोट अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी, या वेरी नाइस वेरी नाइस, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे और है यहाँ पे सन का कार्ड। आप लोगों को ना विद इन वन मंथ से लेकर देखना चेंजेस आएंगे। और अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी किसी भी रीजन को लेके, कुछ लोगों को यहाँ पे चाइल्ड इश्यू, बच्चों को लेकर इश्यूज हो रहे होंगे, बच्चों की लाइफ में इश्यूज हो रहे होंगे, हेल्थ में काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे होंगे, सक्सेस में, वेल्थ में, आगे करियर वगैरह में कोई भी इश्यूज हो रहे होंगे, या पार्टनर की तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलना, उनकी तरफ से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होना तो है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉर्ट आउट होंगी आपकी। तो अगेन मैं वही चीज़ बोलने वाली हूँ आपको, रेमेडीज को जरूर फॉलो करना। रेमेडीज हैं, एफर्ट्स हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ है। टैरो को सुन लेने से, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ लेने से, कर लेने से तो कुछ नहीं होता ना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो भी टोटके वगैरह होते हैं ना, ये कुछ भी किसी को हार्म करने वाले नहीं होने चाहिए। इवन किसी जानवर को, किसी बर्ड को, पंछी को भी नहीं करने होने वाले चाहिए, क्योंकि बैकफायर चीज़ें वापस होती हैं, ठीक है जी। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विद यू। इफ यस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। हैव अ नाइस ब्यूटीफुल वंडरफुल डे हेड एंड बाय बाय।